दोस्तों ये है यामाहा FZS FI वर्जन 3.0 का डीलक्स वेरिएंट मैट रेड कलर का टॉप मॉडल और 7 कलर और 2 वेरिएंट में आती है। इस टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितने तक मिलती है, ऑन रोड कीमत कितनी है और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो कंसोल के ऊपर में यामाहा का लोगो मिल जाता है नीचे की साइड में और स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। ये इसकी ऊपर की हाई बीम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जबकि लो बीम आपको नीचे में बड़े आकार की देखने को मिल जाती है। अगर आप हेडलाइट के नीचे की तरफ में देखेंगे तो छोटा सा यहाँ पर आपको हेलोजन का बल्ब देखने को मिल जाता है, जो भी काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और ये एक फुली नेकेड बाइक है जो 150 सीसी में काफ़ी अच्छी सेल में आती है और इसमें आपको हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं चाबी को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलते हैं काफ़ी मोटे से टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन का सेटअप और साइड में यामाहा के स्टिकर ABS की वेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ आगे वाला मडगार्ड आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है। 100x80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि MRF कंपनी का है। 282mm की डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ, जिसमें आपको मिलते हैं बैब्रिक के कैलिपर, ये है MRF के टायर और 70 इंच का आपको ब्लैक कलर का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है ये बाइक। तो अभी इस बाइक पर डाउन पेमेंट का ऑफर चल रहा है, तो 7,999 रुपये की डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को आसानी से घर लेकर जा सकते हैं। बाकी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट वर्क देखने को मिल जाता है। साइड में आपको FZS की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है 3D क्रोम के साथ, वर्जन 3.0 का स्टिकर मिल जाता है। फ्यूल टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी गोल मटोल सा है जो स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। ऊपर में ये जो मटेरियल लगा है वो टोटल फाइबर बॉडी के साथ इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आपको ब्लू कोट टेक्नोलॉजी मिलती है। इस बाइक में जो हैंडल बार है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलती है। बाकी पहला नेगेटिव है इसकी जो डिस्प्ले वो काफ़ी छोटी यहाँ पर आपको मिलती है। हेडलाइट ABS टर्न इंडिकेटर, बाकी साइड में चेक इंजन गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, बाकी डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको ओडोमीटर ट्रिम मीटर RPM मीटर मिल जाता है। बाकी अन्य नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो कम से कम इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और DTE और कम से कम इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे फीचर्स कंपनी को देने चाहिए जो अन्य बाइकों में देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के जो साइड मिरर हैं वो भी काफ़ी स्टाइलिश हैं। यहाँ पर इसी बटन में आपको मिल जाता है पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न। साइड में आपको बार एंड मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल हैं। यहाँ पर आपको इंजन किल, नीचे में सेल्फ स्टार्ट, तो चलिए मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। दूसरा प्लस पॉइंट इस बाइक का ये है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देता है। बाकी इसकी जो सीट है वो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी चौड़ी यहाँ पर आपको मिल जाती है। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर कुशन का कंपनी ने इस्तेमाल किया। बाकी साइड बॉडी पैनल आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग के देखने को मिलते हैं और रेड कलर में आपको मिल जाता है इसका सीट काउल। बाकी सीट हाइट आपको मिल जाती है 790mm की और ये आप इसका मैट रेड कलर देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसके टोटल सभी कलर ऑप्शन को दिखा देता हूँ। दूसरे इस कलर का नाम है मेटालिक ग्रे कलर, जिसमें ग्रे के साथ आपको ब्लू कलर के एलॉय मिलते हैं। बाकी तीसरा ये है इसका ग्लॉसी रेड कलर और चौथा इसमें आपको मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक और पाँचवा ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ये है इसका पांचवा मैट ब्लू कलर, इसमें आपको एक ग्लॉसी ब्लू भी मिल जाता है। बाकी लास्ट आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर, वो लास्ट वाला 7 नंबर का कलर है। इसके कर्ब वेट की बात करें तो इस बाइक का कर्ब वेट है 135 kg और इंजन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ब्रेक पैड मिल जाता है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, काफ़ी ज़्यादा बल्की साथ देखने में महसूस होता है। फुली फाइबर बॉडी के इसमें ऊपर आपको कवर मिल जाते हैं, बाकी एडजस्टेबल फुट रेस्ट। और पीछे में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 140/60/R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर। जी हाँ, 150 सीसी में देखा जाए तो कोई भी कंपनी आपको रेडियल टायर लगाकर नहीं देती है। रेडियल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप थोड़ा सा लीन भी करते हैं या कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो स्किड की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। बाकी पीछे में आपको काफ़ी बड़ा सा टायर अगर मिल जाता है, 220mm की डिस्क मिल जाती है, पीछे में ABS नहीं मिलता है। इसके रियर में दिया है 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन का सेटअप। बाकी इंजन की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको किक नहीं मिलती है। बाकी इंजन के नीचे में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, ये है इसका ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। बाकी इसका जो इंजन है वो एयर कूल्ड है, सिर्फ हवा से ही ठंडा होता है। इसमें दिया है 149 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक 2 वाल्व
SOHC BS6 FI इंजन। ये इंजन 12.4 PS की पावर देता है 7250 RPM पर और 13.3 NM का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। अब इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसमें जो पावर है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो पल्सर में 14.5 PS की पावर मिलती है, इसमें 2 PS की पावर आपको कम मिलती है। अभी हम चलते हैं इसकी रियर सेक्शन की तरफ। तो देखा जाए तो काफ़ी स्पोर्टी यहाँ पर आपको लुक मिल जाता है। सिंगल पीस ग्रेविल मिलता है, LED यहाँ पर आपको टेललाइट मिल जाती है, हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी पीछे का जो मडगार्ड है वो काफ़ी यहाँ पर आपको स्पोर्टी फील कराता है। इसके माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको लगभग 45 से 48 KMPL का 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज मिल जाता है। 5-स्पीड कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स का सेटअप मिलता है। बाकी इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर फीचर्स भी दिया गया है। प्राइस की बात करें तो यामाहा FZS FI वर्जन 3.0 डीलक्स वेरिएंट की एक्सोरूम कीमत है 1,22,200 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,44,360 रुपये और इसके FZ16 बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत है 1,35,820 रुपये। में शोरूम की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे में मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं यामा की किसी भी बाइक की, तो सिटी का नाम और बाइक की मॉडल का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।